पूछो। मैंने इसको कह चुका हूँ, जवाब दे चुका हूँ कि आई टोटली डोंट एक्सेप्ट दैट स्टेटमेंट। जो राइट्स हुई, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स टू फाइंड आउट किसने करवाई, कैसे की, कौन था इसके पीछे, एंड दिस मस्ट बी फाउंड। दिस जो कत्ल होते हैं, जो लोग मारे जाते हैं, चाहे जितने मर्जी साल निकल जाए, 35 साल हो गए हैं, दिस हैज़ टू बी फाउंड एंड देर इन्वेस्टिगेशन मस्ट कैरी ऑन। एंड जिन्होंने किया है उनको फिर अदालत के सामने आना पड़ेगा, कानून के सामने। कारण ये था कि कम्युनल पोलराइजेशन चाहते थे पिछली चोन से पहले, और लकली पंजाब के लोग इस पे आए नहीं और कम्युनल पोलराइजेशन हुई नहीं और वो हारे इलेक्शन। वो चाहते थे कि सिख इकट्ठे होकर उनके साथ लगे। दिस वॉज द गेम पॉलिटिक्स। ऑलवेज अकाली दल ऐसी बात करता है, और शर्म की बात है कि आप कम्युनल पोलराइजेशन वगैरह चाहते हो और अपने देश को, अपने सूबे में आप चाहते हो कि कौमें लड़ें। ये बातें इज़ वेरी रॉन्ग, एंड ये पहले भी इन्होंने देख लिया। 20 साल यहाँ झगड़ा रहा है पंजाब में, और 35,000 लोग मरे हैं इधर, खून खराबा हुआ है। वी डू नॉट वॉन्ट दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन के पंजाब में कभी भी फेर हो।